याद है, गुरुजी ने दर्शन दिए, मैं उनके उसमें बैठी हूँ दरबार में। गुरुजी लिखा हुआ ना, शायद वही जाएगा, बड़े मंदिर गुरुजी ब्लेस बर्थडे है तो खुला हुआ है सुबह से। गुरुजी का मंदिर शिवलिंग भी आ रहे हैं ना पीछे, गुरुजी का आ रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आज मैं जा रही हूँ छतरपुर गुरुजी के मंदिर दर्शन के लिए, तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए गुरुजी के दर्शन करें और बहुत सारा ढेर सारा ब्लेसिंग्स लें। तो जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक, ताकि आपको मैं बहुत सारी जानकारी दूंगी कि गुरुजी का मंदिर कब से कब तक खुला रहता है और कौन कौन से दिन तक। तो चलिए जय गुरुजी। ये मैं चली मेट्रो स्टेशन की तरफ। जी हाँ, यहाँ से रितु आंटी अपनी कार में मुझे और एक और आंटी आ रही हैं जो गुरुजी के मंदिर जाएंगी, उनका नाम है शिल्पी। जी हाँ, शिल्पी आ रही है वैशाली से। तो अब हम सब मिलके रितु आंटी के कार में जाएंगे। ये हमारी रितु आंटी और उनका बेटा अक्षय जो हमें लेके जाएगा बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन कराने के लिए। और ये हमारा बेटा है जाता, और ये हमारी शिल्पी है। तो छतरपुर से होते हुए हम गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। तो शिल्पी, तुम कैसे गुरुजी से जुड़ी? मेरी कजन थी, वो गुरुजी को मानती थी, बट एक बार मैंने यूट्यूब पे उनका वीडियो देखा तो मेरा कनेक्शन जगा कि मेरे अब जो गुरु होंगे वो यही होंगे। मैं ऐसे ही डिप्रेशन में रहती थी, बट एक दिन दिन में मैं ऐसे ही डिस्टर्ब थी, तो सडनली ऐसा हुआ कि मुझे नींद आ गई और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मतलब वो चीज़ मेरे लिए ऐसी थी, इस मोमेंट को मैं शेयर करते हुए भी थोड़ा सा एक बहुत गूज़बम्प्स से, मतलब उन्होंने मुझे दर्शन दिए, मैं बादलों की तरफ देख रही हूँ और वो पर्पल अपना स्वरूप बदलते हुए मुझे दिखा रहे हैं। मैं वीडियो कॉल करना चाह रही थी कि मैं मेरी सिस्टर को भी ब्लेस्ड कराऊँ। जैसे ही मैंने वीडियो कॉल कनेक्ट किया, देन गुरु जी का स्वरूप सुना है। गुरुजी अपने संगत को खुद चुनते हैं, और अगर चुनते हैं तो ऐसा कनेक्शन क्रिएट करते हैं कि उनकी संगत जिंदगी भर उनके साथ जुड़ी रहती है। ये हमारे गुरुजी की महिमा है। तो अब बात कर लेते हैं गुरुजी का मंदिर कब कब खुला रहता है और उसके टाइमिंग्स क्या हैं। तो जी हाँ, सोमवार के दिन सुबह से 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है, और उस बीच आप कभी भी जा सकते हैं और उसमें चाय प्रसाद दी जाती है। मंगलवार और बुधवार को मंदिर बंद रहता है, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार को शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है, और उस बीच लंगर प्रसाद मिलता है। गुरुजी अपनी संगत को हमेशा बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। ये है गुरुजी की महिमा में जी। और बस गुरुजी वहाँ पे बैठे हैं अपने उस पे गद्दी पे जी, और मैं उनके बिल्कुल चरणों के पास बैठी हूँ। और पर मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी गुरुजी से, पर कुछ मुँह से कुछ नहीं निकला, बस चुपचाप उनके उस पे बैठी हूँ चरणों में, और थोड़ी देर में बस उठ के फिर अपने अंदर कमरे में चले गए। बस इतने दर्शन दिए, मतलब चलो दर्शन दिए। मेरे को नहीं ड्रीम्स नहीं आते एक्चुअली। ओके, तो इसलिए फिर मैं सोचती थी कि भाई मेरे को तो नहीं ऐसे नहीं, और ऐसे कहाँ, ऐसे कहाँ होता होगा कि हमने सोचा और हमें दर्शन हो जाएंगे। अक्षय बहुत स्ट्रेट सिंपल फॉरवर्ड है, बट इसको दिल से कनेक्शन है गुरु जी का, है ना। वो मैं देख रही हूँ क्योंकि और ये जाता भी है ऋतु जी के साथ। समय का तो जैसे पता ही नहीं चला कब हम गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। जी हाँ, दिल्ली के छतरपुर में गुरुजी का बड़ा मंदिर स्थित है, और हम ये पार्किंग की तरफ जाते हुए, क्योंकि हम कार में आए हैं, वैसे तो लोग ऑटो में भी आते हैं पर उसकी पार्किंग एरिया अलग होती है। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है छतरपुर। जी हाँ, छतरपुर से आप उतरेंगे तो 50-50 रुपये सवारी लेता है ऑटो वाला, और आपको बिल्कुल मंदिर के पास उतारेगा। जी हाँ, मंदिर के पास यानी कि कुछ 500 मीटर की दूरी पर, और वहाँ से आप चल के पैदल मंदिर की ओर जा सकते हैं। मैं ज़्यादातर मेट्रो में ही ट्रैवल करती हूँ क्योंकि सबसे कन्वीनियंट रहता है, कनेक्टिविटी इजी है मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए, और मुझ जैसे बहुत सी संगत मेट्रो में ही आती है। और जैसे मैंने बताया कि सिर्फ आपको छतरपुर मेट्रो स्टेशन में उतरना है, वहाँ से आपको बहुत इजीली ऑटो वाले भैया मिल जाएंगे जो आपको बिल्कुल मंदिर के पास छोड़ते हैं। तो मैं आ जाती हूँ मेट्रो से ऑटो में मंदिर गुरुजी के दर्शन करने के लिए। बहुत गर्मी है पर करना तो है गुरुजी के दर्शन, और गुरुजी तो हर संगत को अपनी ओर खींच लेते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी। पार्किंग से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तो इसी बीच ई रिक्शा मिल गई
जिस पे बहुत सी संगत जा रही थी, तो हमने सोचा हम भी रिक्शा कर लेते जो 10 रुपये लेती है कार पार्किंग से यहाँ तक पहुँचाने के लिए बिल्कुल मंदिर के पास। तो हम बैठ गए उस पे, ऋतु जी, मैं और शिल्पी, और ऋतु जी का बेटा जो है वो अक्षय जो है वो पैदल आ रहा था। दोपहर के 12 बजे हैं और हम दर्शन के लिए जा रहे हैं सोमवार के दिन। तो सोमवार यानी कि शिव जी का दिन, और गुरु जी तो हमारे महाशिव हैं, ये हम सब जानते हैं। तो हम आज महाशिव के दर्शन करेंगे। तो जय गुरु जी। तो इस जगह में आपको गुरु जी के स्वरूप लॉकेट और स्टिकर मिलेंगे, और ये भी एक पार्किंग है जहाँ जो भी सेवादार आता है, सेवा करता है या बहुत ही खास हो, उनकी कार्ड की पार्किंग भी है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। हम बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच चुके हैं रिक्शा से, अब हम मंदिर की ओर जाते हुए। और ये भी बता दूं मैं आपको कि गुरु जी के आश्रम में कैमराज अलाउड नहीं है। फिर भी मैं आपको गुरु जी के दरबार के दर्शन कराऊंगी। जी हाँ, व्हाट्सएप में क्लिपिंग मुझे शेयर की गई थी किसी संगत की तरफ से, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है हमारे गुरु जी का यानी बड़े मंदिर गुरु जी के दरबार के अंदर का दृश्य। शिव जी महाराज के साथ विराजित है हमारे महाशिव गुरु जी महाराज, और ये उनके दरबार और गद्दी के दर्शन हैं। गुरु जी सबको ब्लेस करना, सबकी इच्छाएं पूरी करना, आप सभी संगत की सारी मनोकामना गुरु जी अवश्य पूरी करेंगे। आप दर्शन कीजिए और ब्लेसिंग्स पाइए। तो जय गुरु जी। और गुरु जी के दर्शन करने के बाद हमने चाय प्रसाद लिया, और कहते हैं कि चाय प्रसाद में तो इतनी शक्ति है कि जो भी संगत उसे ग्रहण करती है उसके जितने दुख तकलीफ हैं, कष्ट हैं, गुरु जी महाराज हर लेते हैं। तो आप भी ज़रूर जाइए गुरु जी के मंदिर, और अगर आप नए गुरु जी से जुड़े हैं तो आप बस समझ लीजिए कि गुरु जी अब आपको नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि गुरु जी अब ज़िंदगी भर आपसे तो जुड़े ही रहेंगे इस जन्म में, और साथ ही साथ कई जन्मों तक आपके साथ, आपके परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। तो गुरु जी हमारे जब किसी से जुड़ते हैं तो जन्मों जन्मांतर तक साथ निभाते हैं। पार्किंग की ओर वापस जा रहे थे तो वहाँ पे हमें ठंडा ठंडा पानी दिखा सेवादार की तरफ से, और साथ ही साथ देखा कि वॉशरूम भी है। इतनी सुविधाएँ दी गई हुई है ना ये संगत या कह सकते हैं सेवादार की तरफ से। और ये हम पानी भी यहाँ रुक के पिए क्योंकि बहुत गर्मी थी, पानी पिया। हमारे को वैसे तो जल प्रसाद मिला ही था, वो भी हमने पी लिया था। धन्य है सेवादार जो दिन रात गुरु जी के मंदिर में सेवा करते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, ये थकते ही नहीं। इतना अच्छा मैनेजमेंट मैंने कहीं और नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के मंदिर में। तो कैसे दर्शन हुए गुरु जी के? हम जल्दी फ्री भी हो गए हैं। हाँ जी, हो ही जाते हैं। हाँ, चलो शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी।